करके। आइए महाराज, मेरे सर के ताज विराजिए। आज मेरे अहोभाग्य जो स्वयं लंकापति मेरे द्वारे पर पधारे हैं। कहिए लंकेश, परिवार सहित सब कुशल से तो है? ओम ठीक कहते हैं महाराज, मैं महाराज हूं, परंतु आज मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूं। सहायता? और मेरी सेवा के तेरे प्राण लंकेश के चरणों में है। शाबाश शाबाश मेरे शेर। बताइए लंकेश, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? सुन महाराज, वो सचमुच महान योद्धा है, आज शेरों का शेर। अब तू चल मेरे साथ। अपने के लाभ के बदले
बदले नाम की नारी हर लूंगा। कर माया मृग बन जा, मैं जो जिसने सौ योजन कर डाला वह वीर करारा मन में है। उन सूर्यवंश के सिंहों को लंकेश, उन सूर्यवंश के सिंहों को यह माया मृग क्या बहकाएगा? वो जाएगा पापक पखेरों को पिंजरे से छूट जाएगा। दूषण और त्रिशासन धारक साक्षात रूप नारायण के हैं। सीता, सीता शक्ति का अवतार है, वह शेषावतार लक्ष्मण है। ऐसा नहीं कहते, से कहता हूं यदि करना है तो कुछ पुण्य करो। चोरी का करना ठीक नहीं, यदि हरना है तो निज पाप हरो। सीता का हरना ठीक नहीं, अच्छे कर्मों के करने से लंकेश, अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का नाश हो जाता है। वह राम रूप नारायण है और शेषावतार लक्ष्मण है। राम लक्ष्मण वह सीता तीनों त्रिभुवन के स्वामी है। लंकेश जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर में मारे जाते हैं। बे मौत खाट के खाट उतारे जाते हैं। अरे देश के बच्चे, मैं तुझसे ये उपदेश सुनने नहीं आया हूं। तो सीधी तरह से चलता है या तुझे मैं अभी यम लोक पहुंचा दूं? नहीं लंकेश, नहीं, क्षमा क्षमा लंकेश। अच्छा, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं कपटनिक बनता हूं और अपने जीवन से हाथ धोता हूं। परंतु यह बताइए मुझे करना क्या होगा? बाबा मारी सुनो, जब हम पंचवटी के निकट पहुंच जाएंगे तब तुम छट से कच्छ मृग का रूप धारण कर लेना। सीता तुम्हें अवश्य ही पुकारते हुए आएगी और अपने राम को भेजेगी। एक तो दो
अर्चना और दौड़ जाकर राम के स्वर्ग में लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारना। जब लक्ष्मण सहायता के लिए आए और अकाल सिद्ध हो जाएगा। ठीक है लंकेश, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अब आप प्रस्थान कीजिए। पर बसता है सब भांति मृत्यु अब आई है। मैं इधर गिरूं तो कुआं है और उधर गिरूं तो यदि मना है रावण के हाथों, यदि मना है रावण के हाथों, वरना है बेकार मेरा। अब श्री राम के बाण से होगा बेड़ा।